गुड मॉर्निंग, सुबह के 8 बज गए हैं और आज है ट्यूसडे। तो सुबह सुबह ना कुकिंग का काम चल रहा है, जैसे कि मैं हमेशा ही करती हूँ, लेकिन आज मैं काढ़ा बना रही हूँ। यहाँ पे काढ़ा हस्बैंड के लिए बना रही हूँ। उनको थोड़ा सा कफ हो रहा था, अभी उन्होंने स्टीम ली है, अभी थोड़ा सा आराम मिला। इन्होंने ना वो वाला बाम डाला, वैसे विक्स डाल के स्टीम लो तो सही रहता है, इन्होंने पतंजलि वाला डाल दिया। और पतंजलि वाला बाम ना बहुत तेज होता है, उसकी स्मेल जो है सर में चढ़ गई, बहुत तेज है वो, स्ट्रांग वाला एकदम। तो स्टीम तो उन्होंने ले लिया है, अब मैं सोची उनको काढ़ा बना के दे देती हूँ और उसके बाद हम लोग बनाएंगे ब्रेकफास्ट। और कल शाम को ये मंगवाया था मैंने हस्बैंड से, ये मंगाया नहीं था, ये तो खुद ही आ जाता है, बिना मंगाए आ जाती है ये सब चीज़ें। तो ये इनको फेवरेट है ना, मतलब इलायची एंड सूजी रस्क, ये हस्बैंड का फेवरेट है, तो कुछ ना कुछ स्नैक्स अपने लिए लाते रहता है। मैंने ये मंगाया था सूजी वाली मैक्रोनी, तो आज हम लोग ब्रेकफास्ट में यही बनाएंगे, क्योंकि बहुत दिनों से घर पे ख़त्म चल रही थी और हम लोग ग्रॉसरी में लेके भी नहीं आए थे। तो मैंने सोचा था जब खाने का मन होगा तो शॉप से लेके फिर तभी बना लेंगे। तो आज खाने का मन हो रहा था, मैंने मंगवा लिया है कल। और इसमें रखी थी मैंने मसूर दाल की खिचड़ी, जो साबुत वाले मसूर नहीं होते उसकी खिचड़ी बहुत अच्छी होती है, सर्दियों में गर्म होती है वो। तो बन चुकी है, बस इसका प्रेशर रिलीज हो जाए, मैं इसको टिफिन में पैक करके दूंगी। और सबसे पहले मैं काढ़ा बना लूँगी। आज चाय का मसाला खत्म हो गया है और चाय का मसाला भी मैं बनाऊंगी। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि चाय का मसाला कैसे बनाते हैं, उसकी रेसिपी शेयर करना, तो वो भी मैं शेयर करूंगी आज आपके साथ फुल डिटेल में। तो नया मसाला बना के तैयार करना। और ये है तुलसी के पत्ते जो पड़ोस में भैया के वहाँ लगे हुए हैं, हमारे वहाँ तुलसी नहीं है इस बार, तो भैया के वहाँ से लेके आए थे काढ़ा बनाने के लिए, बहुत हेल्दी होता है और इसकी चाय भी बना सकते हैं। तो मैं ये काढ़े में डाल देती हूँ थोड़ी सी। गर्मा गर्म काढ़ा बनके तैयार हो गया है। इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा हनी, हनी जो है ना कफ के लिए बहुत अच्छा होता है। काढ़ा पी लिया, कैसा होता? बढ़िया। अच्छा, अब मैं बनाती हूँ मैक्रोनी और उसके बाद नाश्ता करते हैं। के सारे काम कंप्लीट कर लिए हैं अपने, आज मेरे काम सारे जल्दी जल्दी हो गए, तो मैंने सोचा रेडी हो जाते हैं, नहा धो के मैं आ गई हूँ।
नहा लिया है मैंने और मैं थोड़ा सा रेडी हो जाती हूँ, थोड़े बाल बाल बना लेती हूँ। और आज मैंने ये वाला स्वेटर पहना है, बहुत अच्छा लगता है ये वाला ना। बहुत पुराना है लेकिन इसका कलर अभी भी वैसा ही है और बिल्कुल भी इसमें रोए नहीं उठे, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैंने सोचा आज इसको घर पे पहना जाए बड़े टाइम के बाद, इस साल की सर्दियों में, मतलब ये जो इस विंटर सीजन में मैं पहली बार पहन रही हूँ ये वाला स्वेटर। और स्वेटर के हिसाब से मुझे बिंदी भी चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि ये बड़े साइज की बिंदी है, पहले मैंने कुर्ती पहनी थी ना, तो कुर्ती के हिसाब से बड़े साइज की बिंदी अच्छी लगती है। जो इंडियन ड्रेसेस होती है उसमें बड़े साइज की बिंदी अच्छी लगती है, और जो वेस्टर्न टाइप की ड्रेसेस होती हैं जैसे टॉप्स और जीन्स वगैरह, उसमें छोटे साइज की बिंदी, तो इसलिए मैंने अलग अलग साइज लेके रखे हुए हैं, तो इसमें ये वाली ठीक लग रही है। और हस्बैंड जा चुके हैं ऑफिस के लिए, मैंने उनको उनका टिफिन पैक करके दे दिया है, साथ में फ्रूट्स भी पैक करके दे दिए हैं। और किचन मेरा सारा क्लीन हो गया है, बहुत सारे बर्तन थे आज, आज मैंने ना बोतल बहुत सारी वॉश की हैं, तो इनको अभी मुझे लगाना है और अरेंज करना है। एक में मुझे पानी भी भर के रखना है, गर्म पानी पीते रहती हूँ मैं दिन भर। इससे पहले मैंने सोचा थोड़े से बाल बना लेते हैं, और मेरे पास काफी सारे कमेंट आते हैं आपके बाल लंबे हो गए, आप क्या करते हो, और मैंने कितनी बार बता दिया है अपने वीडियोज में कि मैं अभी ममा अर्थ का शैम्पू, अनियन शैम्पू और ममा अर्थ का अनियन हेयर ऑयल यूज कर रही हूँ, क्योंकि इससे पहले ना मेरे काफी ज्यादा हेयर फॉल होता था। तो जब से मैं शैम्पू और ऑयल यूज कर रही हूँ ममा अर्थ का, तो ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैं अपने आप से परचेस करके ही लगा रही हूँ ये सारे प्रोडक्ट। मेरे पास कमेंट बहुत सारे आते हैं, क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं आप लोगों के, तो इसीलिए मैं बता रही हूँ कि ये प्रोडक्ट यूज करने के बाद से हेयर फॉल मेरा पहले से काफी कम हुआ है। ये नहीं कि बिल्कुल बंद हो गया है, निकलते हैं बाल लेकिन पहले के जितने नहीं निकलते कि सब जगह बाल ही बाल हो रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। अब जो है ना बाल थोड़े से कम निकलते हैं, जिस टाइम मैं कंघी करती हूँ उसी टाइम निकलते हैं, बाकी वैसे नहीं निकलते। स्टील का बोतल, इसमें मैं गर्म पानी भर के रखती हूँ और इसमें से दिन भर पीते रहती हूँ। और ये वाला एक छोटा बोतल है 1/2 लीटर का, ये हस्बैंड कह रहे थे कि मैं लेके जाऊंगा ऑफिस क्योंकि ये वाला बहुत बड़ा हो जाता है, ले जाने में दिक्कत होती है, तो इसीलिए मैंने छोटा वाला निकाल दिया है। इसमें पहले ना मैं चाय भर के उनको देती थी, तो इस वजह से अंदर चाय के निशान बने हुए हैं, और ये चाय के लिए ही हमने लिया था, बहुत पहले से रखा हुआ है, तो इसको हम पानी के लिए यूज तो करते नहीं, और अगर इसमें हम पानी पियेंगे तो स्मेल आ जाती है, तो मैंने एक बार इसको वॉश तो कर दिया है, तो देखते हैं सही होगा तो मैं इसमें पानी फिल करके उनको दे दूंगी, ऑफिस में गर्म पानी पीते रहेंगे। और ये है दूध वाला बोतल जिसको मैं डेली वॉश करती हूँ, इसके बदले हमें नया मिलेगा तो इसको ऐसे रख देती हूँ यहाँ पे, ये सूख जाएगा। और अभी मुझे रस्क का पैकेट खाली करना है, इसमें से 2 रस्क निकाल के खाए थे मॉर्निंग में चाय के साथ, और केले लेके आए हैं हस्बैंड मॉर्निंग में, तो इसको भी खाली करती हूँ मैं। और ये है मैक्रोनी जो हमने बनाई थी, अब इसके लिए मुझे डब्बा देखना पड़ेगा कि मैं किसमें रखूंगी इसको, तो थोड़ा सा तो हमने बना लिया, थोड़ा सा और बचा है, इसको डब्बे में फिल करके रख दूंगी। और आज मैं दही जमाने वाली हूँ, और मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं कि दही जो है ना आप कैसरोल के डब्बे में जमा के देखना, उसमें बहुत अच्छी दही जमेगी, तो मैंने कैसरोल का डब्बा निकाल दिया है, साइड से ही थोड़ा सा टूटा है क्योंकि बहुत पुराना है, मैंने पैक करके रखा हुआ था, आज मैंने निकाल लिया है इसको। और एक कैसरोल का डब्बा और था, ये तो रोटी वाला है, इसके साथ में सेम ऐसा ही छोटे साइज का भी है लेकिन वो बहुत ऊपर रखा है, तो ऊपर से निकालने में दिक्कत होगी, इसीलिए मैंने ये वाला निकलवा लिया है हस्बैंड से। और इसमें दही जमा के मतलब ट्राई करूंगी कि कैसा होता है, आज तक मैंने कैसरोल के डब्बे में कभी भी दही नहीं जमाई है, तो मैं पहले थोड़ा सा ही दही जमा के देखूंगी, अगर जमता है तो फिर मैं रेगुलर इसमें दही जमाने के लिए यूज करूंगी इस वाले डब्बे को। मैंने जामुन मिला दिया है अच्छे से, और अब मैं इसको यहाँ पे रख देती हूँ,
और फिर देखते हैं कि दही इसमें जमता है या नहीं। इसके बाद मुझे याद आया कि मुझे चाय का मसाला बनाना है आज, तो चाय का मसाला बनाने के लिए मैं काली मिर्च वगैरह निकाल के थोड़ी देर धूप में सुखा देती हूँ, उसके बाद उसका अच्छा सा पाउडर बनाएंगे। काली मिर्च है, काली मिर्च मैंने ज्यादा ली है क्योंकि ज्यादा अच्छी लगती है काली मिर्च वाली चाय। थोड़ी सी लौंग ली है और थोड़ी सी मैंने हरी इलायची ली है। इसके अलावा आप चाहो तो सौंफ भी डाल सकते हो या फिर बड़ी इलायची भी डाल सकते हो, मुझे इन तीनों का फ्लेवर अच्छा लगता है। और इसके साथ में मैं अदरक भी डालती हूँ, अदरक हम अलग से डालते हैं, बस मुझे चाय में ये चार चीजें अच्छी लगती हैं बस। 12:15 बज गया है और सारे काम करके मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ थोड़ी देर। अब मुझे ना वीडियो की एडिटिंग करनी है और एडिटिंग से मुझे याद आया कि मुझे एक बात करनी थी आप लोगों से। आजकल YouTube पता नहीं क्या कर रहा है, मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है या औरों के साथ भी ऐसा हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स हैं जो लोग मुझे कमेंट करते हैं और उनके कमेंट के मुझे नोटिफिकेशन आते हैं, फिर मैं उनमें क्लिक करती हूँ तो क्लिक करके देखती हूँ मुझे कमेंट दिखता ही नहीं है, पता नहीं कहाँ चले जाता है। फिर उसके बाद कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ कमेंट्स जो है यूट्यूब उसमें डाल देता है, स्पैम बॉक्स में डाल देता है, जो हेल्ड फॉर रिव्यू, जो मैं रिव्यू करके फिर उनको अप्रूव करती हूँ। और उसमें भी मैंने चेक किया रिव्यू बॉक्स में, तो रिव्यू बॉक्स में भी उनके कमेंट नहीं थे, तो पता नहीं यूट्यूब ऑटोमेटिकली उनके कमेंट डिलीट कर रहा है। एक नहीं कई सारे कमेंट, अगर एक की बात होती तो चलो मैं ये मान लेती कि उन्होंने डिलीट कर लिया होगा या फिर कुछ प्रॉब्लम आ गई होगी, डिलीट हो गया होगा आईडी में, लेकिन कई सारे सब्सक्राइबर्स के कमेंट ऐसे हैं जो लोग मुझे इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं और अच्छा लगता है उनके कमेंट्स पढ़ के। लेकिन आजकल ना उनके कमेंट के नोटिफिकेशन मुझे मिल रहे हैं लेकिन मुझे ना कमेंट पढ़ने को नहीं मिल पा रहा है, मैं उनमें रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ, पता नहीं क्या हो रहा है कहीं। तो मैंने सोचा वीडियो के थ्रू बता देती हूँ, कहीं उन लोगों को ऐसा ना लगे कि मैं उनके कमेंट डिलीट करती हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं किसी के कमेंट्स डिलीट नहीं करती हूँ। हाँ कुछ कमेंट्स ऐसे होते हैं जो बेफिजूल के होते हैं, उन जिनको डिलीट करना जरूरी होता है, फालतू में उनको रख के नेगेटिविटी क्यों फैलानी है ना, तो इसलिए वो कमेंट मैं डिलीट कर देती हूँ। कुछ तो ऑटोमेटिकली यूट्यूब जो है स्पैम बॉक्स में डाल देता है, तो उनको भी मैं डिलीट ही कर देती हूँ, और बाकी मैं सबके किसी के भी कमेंट डिलीट नहीं करती हूँ इस तरह से। तो पता नहीं यूट्यूब में ये प्रॉब्लम क्या हो रही है। और दूसरी प्रॉब्लम ये होती है कि नोटिफिकेशन नहीं मिलते हैं मेरे वीडियोस के, बहुत सारे लोगों ने मेरे पास कमेंट करके बताया है कि आपके वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं आती है, तो ये प्रॉब्लम जो है ना यूट्यूब में चलते ही रहती है, कभी कुछ तो कभी कुछ, तो इसलिए ना मैं आपसे कहती हूँ कि नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर लेना। अगर नोटिफिकेशन बेल प्रेस करने के बाद भी आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं मिलते हैं ना, तो आप चैनल में आके एक बार चेक जरूर कर लेना। मेरा वीडियो जो है मोस्टली मॉर्निंग के टाइम पे ही आता है, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ अपना टाइम चेंज कर दूँ वीडियोस का, और आफ्टरनून में या फिर इवनिंग में अपने वीडियोस अपलोड करा करूंगी। तो आप लोग मुझे अपने सजेशंस दे सकते हो कि मैं किस टाइम पे वीडियोस अपलोड करूं, मॉर्निंग में सही टाइम रहेगा, आफ्टरनून में या फिर इवनिंग में, इसका रिप्लाई मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। शाम के 4 बजने वाले हैं और मैं थोड़ी देर पहले शॉप से आई हूँ। एक्चुअली मुझे ना पनीर लेना था, तो एक पैकेट पनीर का लेके आई हूँ मैं, ये वाला आनंदा का मिला, और उसके साथ में ये मिला है रबड़ी का एक डब्बा फ्री। तो लास्ट टाइम भी लेके आए थे ना जब ये वाला पनीर, तो इसके साथ रबड़ी फ्री मिली थी और ये बहुत टेस्टी होती है, एक बार खाना ज़रूर आप इसको। और दूध मैंने फ्रिज से निकाल के रख दिया है, ये मॉर्निंग में बॉयल किया था, इसकी मलाई निकाल के फिर मैं चाय वाय बनाती हूँ कुछ। और पनीर में क्यों लेके आई हूँ, क्योंकि मुझे बनाने हैं पनीर के पकोड़े, तो मैं पनीर के पकोड़े बनाने वाली हूँ आज और इसकी रेसिपी भी शेयर करूँगी। उससे पहले मुझे बर्तन वॉश करने हैं लंच वाले, वो वॉश कर लेती हूँ। और चाय का मसाला भी नहीं बनाया मैंने, चाय का मसाला बनाना है। तो एक्चुअली ये काली मिर्च लौंग ये सब ना मैंने धूप में सुखा के रखी थी, अब पीछे साइड धूप चली गई है, शाम के टाइम ना यहाँ से धूप चली जाती है, तो ये बंद कर देती हूँ मैं दरवाज़ा। तो हमारी बालकनी से जा चुकी है और ये है दलिया जो मैंने धूप में सुखाया, नया पैकेट खोला था, पुराना वाला दलिया हमारा ख़त्म हो गया है, तो इसको भी मैंने धूप में सुखा दिया। मैंने सोचा डब्बे में फील करने से पहले एक बार धूप लगा देती हूँ उसको, तो ये भी मुझे किचन में ले जाना है। चलिए काम स्टार्ट करते हैं। तो मैंने ना थोड़ा सा ही बेसन लिया है, मैं बहुत ज़्यादा नहीं बना रही हूँ पकौड़ियाँ,
क्योंकि मुझे सिर्फ अपने लिए बनानी है। तो इसमें मसाला मैं डाल देती हूँ। सबसे पहले सॉल्ट ऐड करेंगे, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, ये है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा मैं गरम मसाला भी ऐड कर रही हूँ टेस्ट के लिए, और ये है धनिया का पाउडर। फिर लास्ट में मैं इसमें अमचूर पाउडर भी ऐड करूँगी। तो बस ये बेसिक से मसाले ऐड करेंगे और उसके बाद इसका एक बैटर बना लेंगे। थोड़ी सी मैं अजवाइन डाल दूंगी जो कि पेट के लिए बहुत अच्छी होती है। Thank you.